डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, भ्रष्टाचार जिसकी सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से अब वो जमीन खिसकती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गंभीर रूप से उनके ट्रस्ट और उनके परिवार के द्वारा संचालित ट्रस्ट पर आक्षेप लगने के बाद आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है, ये इससे पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने यही किया था। यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है और यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था। इतना ही नहीं है, मुख्यमंत्री पहले इसमें संलिप्त रह चुके हैं। 2015 में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी की ऊपर लैंड ग्रैब का केस लग चुका है, जो कि बंगलौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 1986 में आवंटित भूमि के समय से चल रहा था, उसके आधार पर था। मूडा स्कैम, जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैम जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब उनके इन्वॉल्व थे, फिर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एडीबी लैंड ग्रैम जिसमें कि खड़गे जी की फैमिली के लोग इन्वॉल्व थे। और इतना ही नहीं है, इससे पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी का नाम आ चुका है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी का नाम बीकानेर के लैंड स्कैम में आ चुका है, तो भूपेश बघेल जी के पास आ चुका है। अर्थात मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और फिर इतना ही नहीं, आप सबको याद होगा वो नेशनल हेराल्ड केस जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप है, और यह भी याद करिएगा कि वो केस हमारे जमाने में नहीं शुरू हुआ, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वो केस दर्ज किया गया था। इससे बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस में सारा शीर्ष नेतृत्व, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी उप मुख्यमंत्री हो, उनके पूर्व अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।